पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सोच आपकी हमारी क्लब फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मेरा स्वाभिमान मेरी पहचान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोच आपकी हमारी क्लब फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष ललित सैनी और वाइस प्रेसिडेंट मिसेज आस्था त्रिवेदी ने बताया कि मेरा स्वाभिमान मेरी पहचान एक प्रयास है उन सभी महिलाओं के लिए जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के रहते घर से बाहर नहीं निकल पाती है। प्रत्येक महिला अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अपने परिवार को आर्थिक मजबूती प्रदान करना चाहती है, समाज में अपनी एक पहचान बनाना चाहती है। कार्यक्रम की शुरुआत मिसेज रश्मि धर ने मंचासीन मुख्य अतिथि मिसेज अल्पना रितेश गुप्ता संस्थापक आराधना क्लब और नन्नी सी चिड़िया अतिथि मिसेज प्रियंका गोयल प्रोफेशनल फैशन मॉडल डॉक्टर स्वाति पाठक सिंघल BDS मेंबर IMA सीमा गुप्ता के साथ अदिति अग्रवाल मीनू चौहान रुचि गोयल नेहा पोठीवाल कोमल गांधी अंजुम हुसैन आदि सदस्य उपस्थित रहे। मंचासीन मुख्य अतिथि मिसेज अल्पना रितेश गुप्ता ने कहा कि एक शिक्षित और सभ्य समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है समाज की महिलाओं का जागरूक होना। सोच आपकी हमारी क्लब फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को जागरूक और स्वावलंबी बनाने के लिए उठाया गया ये कदम बेहद सराहनीय है। मतलब इस तरीके से मैं धीरे धीरे बाहर निकली और फिर मैं अकेले सफर करने लगी। मतलब 45-7 उससे पहले मैं घर में ही रहती थी। तो आप अपनी उम्र को भी वो ना समझे, कभी भी कोई भी अचीवमेंट आप किसी भी उम्र पे ले सकते हो। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र हो गई आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने 45-7 पे ही सारा अचीवमेंट लिया है। तो मैं दो लाइनें बस यही कहना चाहूँगी, उम्र को हराना है तो शौक को जिंदा रखिए, घुटने चले ना चले मन को उड़ता परिंदा रखिए। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला अपने सपनों के बारे में कि मुझे ये करना है, मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, क्या मैं कर पाऊँगी? तो बोले हाँ क्यों नहीं कर पाऊँगी, अगर तुम्हारे मन में इच्छा है तो तुम करो, उस मन को मतलब अपने मन दबाओ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम करो। मैं इधर ठीक है ट्राई करती हूँ। तो क्योंकि इसके बाद एक फैमिली होती है, सारे सपने लगा कि हाँ टूट जाएंगे, बट नहीं, मौका मिला मैंने किया, आगे बढ़ी और जीती भी। मैंने यहाँ मुरादाबाद में मिसेज ब्यूटीफुल आइज का जीता, ब्यूटीफुल स्टाइलिश हेयर का जीता था। फिर NCERT चली गई, वहाँ पे एक्चुअली मुझसे एक सवाल पूछा गया था जो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, वहाँ पे मुझसे उन्होंने पूछा था कि अगर आपको मौका मिले आगे आप जैसे लड़की को कुछ करने के लिए, जैसे आपके सपने थे पूरे नहीं हो पाए तो आप क्या करोगे? मैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन्हें जल्दी समझाऊंगी जैसे मुझे मेरे हस्बैंड ने समझाया था, मैंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया, उनको जिंदा रखा। तो मैं चाहूंगी कि मैं वैसे ही करूँ, मुझे मौका मिला तो मैं उनके लिए एक स्टेज भी खड़ा करूंगी, जो मैंने किया CMS अपनी CMS को ओपन करके। तो जो मेरा CMS ओपन करने का एक मोटिव था वो यही था कि जो लड़कियाँ बाहर होता है बहुत से घरों में नहीं भेजते लड़कियों को बाहर, और कुछ मनी प्रॉब्लम भी होती है कि बाहर जाके खर्चा होता है बहुत होता है। तो जो मैंने सोचा था कि नहीं मैं अपने मुरादाबाद में इस चीज़ को ओपन करूँगी, और भगवान के पास से मैंने ओपन भी किया लोगों के लिए कि आओ आपके जो सपने हैं वो मेरे मंच के थ्रू आप पूरा कर सकते हो। तो लास्ट में बस एक ही लाइन कहना चाहूँगी, नारी को कभी ना अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, नारी शक्ति है नर की और नारी ही शोभा है नर की। तो हमारे देश के दो पंख हैं नारी और नर, और किसी भी एक पंख के बिना हमारे देश की उन्नति इम्पॉसिबल है। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी की वजह से हम इस जगह तक पहुँचे हैं, नारी सशक्तिकरण को हमने इतना अच्छा स्वरूप दिया है, इसका श्रेय हम अपनी सरकार को भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, साथ में उन महिलाओं को भी देते हैं जो उनके इस कार्यकलाप को देख कर इस समय आगे बढ़ी हैं और आगे बढ़ रही हैं, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं और अपनी सोच को अलग तरीके से बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें महिलाएं क्लब के रूप में या किसी भी रूप में कहिए अपने समूह बनाकर आगे बढ़ रही हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखकर और कार्य कर समाज में एक अपना अलग रूप दिखा रही हैं, रूप को दिखाकर अलग बढ़ावा दे रही हैं, कामों को बढ़ावा दे रही है, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, जो कि एक उनका अनूठा प्रयास है। इसी तरह की श्रेणी में हमने भी नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट के द्वारा गरीब बच्चों को, गरीब इसलिए है क्योंकि माता पिता को रोजगार नहीं मिला और रोजगार का स्वरूप नहीं मिला, हमें कोरोना में बहुत से लोग जो त्रस्त हो गए थे, तो उन बच्चों को हमारी नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट ने भी शिक्षा का एक प्रयास, सफल प्रयास हमारा रहा।
जो कि हमने बच्चों को फीस दी और उन्हें पढ़ाने का बहुत अच्छा हमने जरिया अपनी नन्ही सी चिड़िया की तरफ से अडॉप्ट किया है उन बच्चों को और दे रहे हैं। मोदी जी ने और योगी जी ने रोजगार को बढ़ावा देते हुए बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर चिन्हित की हैं जिनके द्वारा हम जो है बच्चों को पढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे। सरकार की तरफ से गवर्नमेंट के स्कूल खोले गए हैं उसमें बहुत कम फीस है। उन फीस को रोजगार क्या है, जब वो बच्चे उनसे पढ़ाई करेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे और उन्हें रोजगार भी मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। इस दिशा में मैंने बहुत सारी बेटियों को मेहंदी सिखाई है जिनसे कि मैंने आज उनसे मेहंदी लगवाई और उनको पैसे दिए हैं और उन बेटियों ने आज बहुत कमाई की है। तो यही रोजगार का एक जरिया होता है। अगर हम इस क्लब के माध्यम से बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह की चीज़ें सिखाएंगे जैसे कि सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है और मेहंदी है और मेकअप का, मतलब एक जो मेकअप का कोर्स होता है वो सिखाएंगे, जो कि मैंने भी आज दो बच्चों को सिखाने भेजा है नेहा को। तो इन सब से भी हमारे समाज में जो त्यौहार आते हैं तो वो बच्चियाँ कुछ ना कुछ कमा लेती हैं और अपने परिवार को विकसित करती हैं। उनके परिवार में पैसा जाता है तो उनको राशन मिलता है, अन्न मिलता है, तो जो वो खाने के लिए उनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। उसी से जो हम फीस आज भर रहे हैं वो खुद लोग कुछ भरने के लिए सशक्त हो जाती है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।